This video we'll be discussing about क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, कैसे क्रोमोसोम से हम क्रोमेटिन कैसे उसके अंदर टाइटली पैक्ड है, उसको अपन निकाल के धीरे 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 उसके माइक्रो स्ट्रक्चर तक जाते हैं। तो क्रोमोसोम जो है, सपोजिंग ये है क्रोमोसोम है, उसके अंदर ये जो क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन इसे ये क्रोमेटिन है ना। नाउ वी आर ये इसके क्रोमेटिन को निकाल रहे हैं, ये टेकिंग इट आउट, उसको फिर जूम कर करके हम उसके माइक्रोस्ट्रक्चर तक जा रहे हैं। सबसे पहले व्हाट वी गेट, तो हमने इसको निकाला क्रोमेटिन, है ना। क्रोमेटिन की लेंथ कितनी है, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। इस क्रोमेटिन अगर हम एक सेल के क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल को साइड टू साइड ले करेंगे तो 2 मीटर्स के अराउंड उसकी जो है लेंथ होती है, लेकिन वो येट उसका जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर वो हाउस्ड है, वो सिर्फ 6 माइक्रोमीटर होता है। मतलब कितना कॉम्पैक्टली वो पैक्ड है ना, वो हम को देखना है। वो उस पैक्ड क्रोमेटिन को हम निकाल रहे हैं और उसको हम फिर जूम कर करके उसके माइक्रोस्कोप जा रहे हैं। सबसे पहले हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, कैसे कंटिन्यूस हमने निकाला, तो आपको कंटिन्यूस लूप की फाइबर्स मिलेंगे, कंटिन्यूस है ना, और कंटिन्यूस लूपी फाइबर्स है ना, ऐसे कंटिन्यूस लूपी फाइबर्स मिलेंगे। फिर हमने उसको और यार किया, ऐसे खींचा, तो हमको नेक्स्ट जो मिलेगा वो ऐसे 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 टाइट हेलिकल फाइबर्स मिलेंगे। टाइट हेलिकल, ये टाइट हेलिकल फाइबर्स है, क्या है, टाइट हेलिकल फाइबर्स, टाइट हेलिकल फाइबर्स मिलेंगे, है ना। अब यहाँ आप देखें, ये जो ऐसे रेड रेड से डॉट्स लगे हैं, क्या है ये रेड रेड से डॉट्स। फर्दर हमने इसको जूम किया, ये रेड वाले को जूम किया, ये रेड रेड दिख रहे हैं, तो उनको ऐसा दिखेगा कि कुछ लाइक दिस स्ट्रक्चर, क्या है, व्हाट आर दीस रेड स्ट्रक्चर्स, ये रेड स्ट्रक्चर्स ऐसे दिखेंगे, ऐसे ऐसे ये और मूव करता जाएगा, ऐसे ये रेड फिर आ गया है। ये हम इसको जूम कर रहे हैं, इसको जूम कर रहे हैं हम, कि ये जो रेड आपको दिख रहा है, ये हमने जूम करा तो ऐसे ये रेड, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन है। और ये क्या है, वाइट वाइट जो इसको वर्ल कर रहे हैं, 2.5 इसको जिस रेड प्रोटीन को सराउंड कर रहे हैं, ये कॉल्ड डीएनए। तो ये आपको जो दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जिसमें कि दो बार, व्हेनेवर डीएनए सराउंड्स दिस हिस्टोन प्रोटीन, 2 टाइम्स इट वर्ल्स अराउंड इट, उस पर्टिकुलर, इज अ पर्टिकुलर नेम फॉर दैट स्ट्रक्चर इन व्हिच डीएनए स्वर्ल्स, इट वर्ल्स अराउंड दिस पर्टिकुलर हिस्टोन प्रोटीन, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम, called as nucleosome कहते हैं, है ना। जब दो बार DNA is octamer protein, ये histone protein क्या है, histone protein is an octamer, it is, what is this octamer, octamer का क्या मतलब, octamer मतलब which is composed of 8 units, है ना। कौन-कौन सी 8 units से बना रहता है ये histone protein, इसके बारे में हम जानते हैं। ये है histone protein, इसको बता रहे हैं आपको zoom करके कि ये किन किन कौन कौन से, ये बना हुआ है H2A, H2B, H3 and H4, ये 4 subunits हैं इनकी, डबल कॉपी है ना, कॉपी मिला के क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, H2A, H2B ये दो दो, H3 और H4 ये दो दो यूनिट्स मिला के 8 हो गए, तो ये ऑक्टामर और हिस्टोन प्रोटीन बन गया। एक और यूनिट, एक और कंपोनेंट होता है H1 प्रोटीन, H1 प्रोटीन क्या होता है, इट इज अ लिंकर प्रोटीन, लिंकर प्रोटीन, ये लिंकर प्रोटीन है ना, किसको लिंक करता है, ये एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे
दूसरे न्यूक्लियोसोम को लिंक कर रहा है, ये येलो से अपन शो कर रहे हैं इसको, लिंकर प्रोटीन, दिस इज एच वन, ठीक है ना। ये ऑक्टमर है, ये ऑक्टमर क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। ये हम वी आर स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन, हमने क्रोमोसोम में से निकाला उसको, तो सबसे पहले तो हमको इमीडिएटली निकालने के बाद कंटीन्यूअस लूप की फाइबर्स मिले, फिर जो है हम और उसको और खींचा तो हमको क्या मिला, ये टाइट हेलिकल फाइबर्स मिले, हेलिक्स रहता है ना डीएनए, टाइट हेलिकल फाइबर्स मिले। फिर हमने इसको देखा ये रेड रेड जो है, इसको और जूम किया तो हमने जूम करने के बाद मिला ये स्टोन प्रोटीन और डीएनए का इंटरेक्शन कैसे होता है। एक्चुअली ये डीएनए जब ये दो बार सराउंड करेगा हिस्टोन प्रोटीन को तो उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या, वो ऑक्टमर, ऑक्टमर प्रोटीन किस कौन सी 8 यूनिट से मिलके बना है, तो उसके हैं H2A H2B H3 H4 के 2-2 कॉपीज से मिलके हिस्टोन प्रोटीन बना है। एक और प्रोटीन है जो कि इन न्यूक्लियोसोम को लिंक करता है, वो H1 हिस्टोन प्रोटीन से बना है, क्या बना, H1 हिस्टोन प्रोटीन से लिंकर प्रोटीन। इसके बारे में खास बात ये है आपको जानना है कि ये लिंकर प्रोटीन है, और चूंकि ये लिंकर प्रोटीन है इसीलिए इट हैज टू बी हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड, उसका पॉजिटिवली चार्ज, बहुत पॉजिटिवली चार्ज होना बहुत जरूरी है। एक तो हमने बताया था कि हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज, कौन से दो अमीनो एसिड से मिलकर, हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो पॉजिटिवली चार्ज होता है बिकॉज ऑफ व्हाट टू व्हिच टू अमीनो एसिड्स, लाइसिन एंड आर्जिनिन, लाइसिन और आर्जिनिन दो अमीनो एसिड्स हैं जो कि हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं और जो इस हिस्टोन प्रोटीन को पॉजिटिविटी देती हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, जिसके कारण होता है नेगेटिवली चार्ज डीएनए, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड, इट इज बिकॉज़ ऑफ व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप्स, व्हिच ग्रुप्स make DNA negatively charged, phosphate groups, ये बताया था, phosphate groups, अब ये जो phosphate groups हैं, ये DNA को negatively charged बना रहे हैं, और ये histone proteins positively charged हैं, lysine और arginine के कारण, तो जो opposite charges हैं, वो attract करते हैं, interaction होता है, होता ही bonding होती है, ताकि जो है, ये जो double helix है, double helix, तभी तो बनता है, helical structure जो बनता है, वो because of tight interaction बिटवीन द डी एन ए एंड हिस्टोन प्रोटीन के कारण बनता है, ठीक है। अच्छा, हेलिकल जो हेलिक्स है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, हेलिक्स 3D, ये इट इज, इसमें क्या होता है, इट इज स्टबर्न स्ट्रक्चर, रोबस्ट स्ट्रक्चर। डी एन ए हेलिक्स क्यों बनता है, उसकी क्या विशेषता है, हेलिक्स रोबस्ट स्ट्रक्चर है और वो कितने भी न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंसेस को कंटेन कर सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हेलिक्स की इंपॉर्टेंस ये है, ये हमने देख लिया न्यूक्लियोसोम तक जूम करके देख लिया कि क्या है। अब फर्दर हम आते हैं, तो फर्दर हमको कैसा मिलेगा, फर्दर हम इसको ऊपर बताते हैं आपको, ये हमने निकाला तो हमको सबसे पहले कंटीन्यूअस लूपी फाइबर्स, उसके बाद टाइट हेलिकल फाइबर्स, उसके बाद ये डीएनए दो बार ऐसा, ये हमने इसको जूम किया तो मिला, देन अगेन ये हिस्टोन है जिसको कि डीएनए दो बार सराउंड कर रहा है, उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, उनको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, है ना। फिर न्यूक्लियोसोम के बाद हम फर्दर आते हैं कि ये बीच में क्या है, लिंकर प्रोटीन है जो कि दोनों न्यूक्लियोसोम्स को जोड़ रहा है। फिर हम फर्दर ज़ूम करेंगे इस डीएनए को तो हमको ऐसा माइक्रोस्ट्रक्चर्स तक हम पहुंचेंगे जैसा, तो ये क्या है डीएनए हमको, फिर ये जो दिख रहा है आपको, ये ऐसे ही कंटीन्यूअसली आपको हेलिकल शेप मिलेगा, ये हेलिकल शेप एक्चुअली है क्या, ये हेलिकल शेप जो है, ये जो दिख रही है आप, दिस इज व्हाट द बैकबोन, बैकबोन और ये बीच में ये जो है डिफरेंट मल्टी कलर जो है, जो बीच में बैंड्स हैं, ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, बेस पेयर्स हैं, न्यूक्लियर बेस पेयर्स, न्यूक्लियर बेस पेयर्स,
ये बेस पेयर्स है। एक लैडर से कंपेयर किया जाता है डीएनए डबल हेलिक्स को, जिसकी की जो बैकबोन है वो किससे बनी रहती है और जो न्यूक्लियर जो स्टेयर्स हैं वो किससे बने, ऐसा ये ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर है, ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर है ना उसकी। अब ये जो ये आपका दिख रहा है, ये आपको बैकबोन रहती है, ये इसको जूम करेंगे हम नेक्स्ट ये, और यहाँ जो है न्यूक्लियर ये बेस पेयर्स कहते हैं, डीएनए डबल हेलिक्स का ये स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्ट्रक्चर में हम आए अभी, तो हम देखते हैं कि कैसे बनती है ये न्यूक्लियर बेस पेयर्स। एक्चुअली ये जो बैकबोन है इट इज मेड अप ऑफ बैकबोन फॉस्फेट और शुगर से, फॉस्फेट शुगर यूनिट्स कॉम्बिनेशन ये बनाते हैं बैकबोन, डीएनए के डबल हेलिक्स की बैकबोन बनती है। और जो नाइट्रोजनस बेसिस है प्रोट्रूड होते हैं इस बैकबोन से, नाइट्रोजनस बेसिस यहां से ये टुवर्ड्स इनसाइड प्रोट्रूड होते हैं, और वो दोनों स्ट्रैंड्स के नाइट्रोजनस बेसिस आपस में किससे जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से, और न्यूक्लियर बेस पेयर्स बनाते हैं। बेस पेयरिंग रूल एक काफी स्ट्रिक्ट रूल है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंटैरिटी के आधार पे ही जो है जो दोनों तरफ के दोनों स्ट्रैंड्स के नाइट्रोजनस बेसिस है ना वो जुड़े रहते हैं, दे आर लिंक्ड, कौन से बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, यहाँ पर कौन से बॉन्ड्स रहते हैं, दे आर लिंक्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये हम देखते हैं। इसको जूम करते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर दिखता है वो हम देख लिया कि ये जो ऐसे कॉलिक पहले हेलिकल कंटिन्यूस लूपी फाइबर्स, देन टाइट हेलिकल, देन हमने उसको जूम किया कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है, दोनों किससे जुड़े रहते हैं, हेलिकल प्रोटीन से। न्यूक्लियोसोम मतलब जब ऑक्टोमर हिस्टोन प्रोटीन को डीएनए दो बार स्वर्ल कर रहा है, दो बार इट इज सराउंडिंग दी हिस्टोन प्रोटीन, तो उसको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम नाम दिया गया है, दोनों लिंकर प्रोटीन से जुड़े रहते हैं। ये एक ऑक्टोमर है, कौन से चार यूनिट से, H2A, H2B, H3, H4 के डबल यूनिट्स मिला के ऑक्टोमर बनाते हैं हिस्टोन प्रोटीन। अब हम फर्दर आ रहे हैं कि हम देखते हैं कि इसका माइक्रोस्ट्रक्चर तक पहुंच गए हम, ये क्या होता क्या है ये एक्चुअली जो हेलिक्स है उसको, तो हेलिक्स को हमने देखा कि ये इसकी बैकबोन है जो साइड पर रहती है वो बैकबोन है जो कि फॉस्फेट और शुगर ग्रुप से बनती है, और जो उसके उस बैकबोन से प्रोट्रूड हो रहे हैं टुवर्ड्स इनसाइड क्या, नाइट्रोजनस बेसिस, और दोनों तरफ के नाइट्रोजनस बेसिस आपस में जुड़े रहते हैं, जो हेलिकल दोनों स्ट्रैंड्स को हेल्ड करके रखे हुए हैं, उन कौन से बॉन्ड्स हैं जिनसे वो जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब हम डिटेल में देख रहे हैं इस बैकबोन और नाइट्रोजनस बेस पेयर्स कैसे बनते हैं उसको, है ना। अब उसके लिए हम सबसे पहले हम हेलिकल जो डीएनए के न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड बना कैसे है, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जुड़े हुए हैं, अगर न्यूक्लियोटाइड्स लाइन से पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, इफ दे आर स्ट्रिंग, वी स्ट्रिंग देम टुगेदर न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स को, तो वो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनती है जिसको न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है डीएनए, ठीक है। तो बेसिक क्या रिक्वायरमेंट्स है, न्यूक्लिक एसिड बनना है, न्यूक्लिक एसिड इज कंप्लीट चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, चेन होती है क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स की चेन है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड के लिए कौन सी तीन चीजें जरूरी होती हैं, न्यूक्लियोटाइड बनता है नंबर वन एक तो पेंटोस शुगर चाहिए, नंबर टू नाइट्रोजनस बेस चाहिए, है ना, और तीसरी चीज जो चाहिए न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए वो है फॉस्फेट ग्रुप। अब हम डिटेल में देखते हैं कि क्या पेंटोस शुगर क्या है, कैसे ये वी आर डिस्कसिंग बेसिकली डीएनए, है ना, तो हम उसमें कौन सी शुगर देखेंगे, कौन सी पेंटोस शुगर रहती है उसमें, डीऑक्सीराइबोस, व्हाट इज दिस डीऑक्सीराइबोस, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम राइबोस, है ना, वो हम सब कुछ देखते हैं यहाँ पर, है ना। इट्स वी आर लुकिंग एट द स्ट्रक्चर, माइक्रोस्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियोटाइड की चेन को, सिक्वेंस को, व्हेन वी स्ट्रिंग द न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर वी गेट डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड।
तो कैसे हम स्ट्रिंग करते हैं, न्यूक्लियोट एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ा रहता है, न्यूक्लियोटाइड की शुरुआत से आपके न्यूक्लियोटाइड होता कैसे है, फिर वो दूसरे से कैसे जुड़ा है और कैसे वो चेन बनाता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है हमने देखा, न्यूक्लियोटाइड इज कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब पेंटोज शुगर क्या होती है, व्हाट इज पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर एक्चुअली जिसमें पांच ठीक है ना, उसको पेंटोज शुगर कहते हैं। अब ये हमने बेसिक डायग्राम ये बनाते हैं जो आपको याद रखना है, इसमें नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर और ये नंबर फाइव। तो आपको पहले नंबर पे क्या होता है, पहले नंबर पे आपको याद रखना है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा रहता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है, अगर डीऑक्सी है तो यहाँ हाइड्रोजन होगा, अगर ऑक्सी शुगर है तो यहाँ पर ओएच होगा, ओएच होगा इफ इट इज ऑक्सी शुगर, और ये डीऑक्सी है तो सिर्फ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे ओएच ग्रुप रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डीएनए जब रेप्लिकेशन हम पढ़ेंगे तो सिर्फ आपको शुगर पेंटो शुगर की दो चीजें याद रखनी है, तो थ्री प्राइम पोजिशन पे क्या होता है ओएच ग्रुप, फोर्थ पे कुछ नहीं, फिफ्थ पोजीशन पे क्या होता है तो फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। नंबर थ्री पोजीशन पे ओएच, नंबर फाइव पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप। ये तो दो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर व्हेन वी कम इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो हमने पेंटोज शुगर की बात करी, पेंटोज शुगर जो डीएनए डिस्कस कर रहे हैं हम डीऑक्सीराइबो, तो यहां पर सेकंड पोजीशन पे क्या होगा, डीऑक्सी मतलब हाइड्रोजन ग्रुप होगा और ओएच नहीं होगा, ओएच का ऑक्सीजन हट जाता है, डीऑक्सी शुगर ठीक है। तो ये हो गई शुगर की बात। अब हम आते हैं नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस कहां रहता है, यहां पर शुगर में अटैच रहता है, नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट पोजीशन पे, नाइट्रोजनस बेस। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस होता क्या है, नाइट्रोजनस बेस के बारे में बात करेंगे तो चार तरीके यू हैव गॉट टू रीड अबाउट प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स, ये दो टाइप्स के जो है नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। प्यूरिन्स क्या होते हैं, प्यूरिन्स 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 ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होते हैं, डबल रिंग्स। प्यूरिन्स टू रिंग्स स्ट्रक्चर है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स, जब टू दो रिंग्स होती है तो वो प्यूरिन्स है, एक होता है एडेनिन और एक होता है गुआनिन, गुआनिन 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 ये हो गए प्यूरिन्स। वी आर डिस्कसिंग नाइट्रोजनस बेसिस। दूसरे तरह के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं पायरिमिडीन्स, पायरिमिडीन्स जो है उनमें एक ही रिंग है, पायरिमिडीन्स यहाँ दो रिंग स्ट्रक्चर है, में टू ब्लॉक्स और टू रिप्रेजेंट ड्यूअल हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स। पायरिमिडीन्स में सिंगल रिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग रहती है। पायरिमिडीन्स तीन तरह के होते हैं, साइटोसिन साइटोसिन थाइमिन थाइमिन, हम डीएनए डिस्कस कर रहे हैं तो यही दो काम के हैं, और एक होती है यूरैसिल, यूरैसिल यूरैसिल वो आरएनए का काम है। तो तीन तरह के, आपको एक निमोनिक कि कैसे आप पायरिमिडीन्स को याद रखें, कट पाई से याद रखें आप, कट साइटोसिन यूरैसिल थायमिन और पाई पायरिमिडीन्स ठीक है, कट पाई से याद रखें। तो हमने नाइट्रोजनस बेसिस डिस्कस कर लिए, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, जो छोटा है ना प्यूरिन छोटा शब्द है तो उसमें दो रहेंगे डबल हेट्रोसाइकल रिंग्स रहेंगी, और जो बड़ा वर्ड है उसमें एक ही रिंग रहेगी, एक ही भी तरीका याद रखने का। वी हैव डिस्कस्ड शुगर पेंटोज शुगर, उसमें डीएनए डिस्कस करें तो डीऑक्सी है, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ओनली हाइड्रोजन ग्रुप। यू हैव टू रिमेंबर किस पोजीशन में शुगर के नाइट्रोजनस बेस अटैच रहता है, तो पहले नंबर के कार्बन पे अटैच रहता है नाइट्रोजनस बेस है ना। दो तरह के होते हैं प्यूरिन्स पायरिमिडीन्स, कट पाई से याद रखना या फिर शब्द से याद रखना कि प्यूरिन्स है तो दो रिंग्स होगी। नेक्स्ट हमको क्या जो देखना है वो है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप हमने जो बताया आपको यहाँ पर कौन सी पोजीशन पे बताया था, फिफ्थ कार्बन में ये फॉस्फेट जुड़ा रहता है ठीक है। फर्स्ट पे नाइट्रोजन, सेकेंड पे हाइड्रोजन, थर्ड पे ओएच, ये एंड ये मस्ट आपको याद ही होना चाहिए कि थर्ड और फिफ्थ पे क्या है, फिफ्थ पे हमेशा फॉस्फेट, थर्ड पे हमेशा ओएच। ये हमने उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स की न्यूक्लियोटाइड की बात कर ली, तीन चीजें जो होती है। अब ये जो है कैसे अटैच रहते हैं उसकी हम बात करते हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं
When we string them together, we get nucleic acid. अब ये जैसे हमने बनाते जाए, we are making, यहाँ पर ये OH है और ये यहाँ पर फॉस्फेट है, ठीक है? अभी नेक्स्ट जो बनाएंगे, ये फॉस्फेट, फॉस्फेट OH से जुड़ेगा, ये OH, नेक्स्ट जो हम बनाएंगे, फॉस्फेट OH से जुड़ेगा, ये OH, ऐसे we are stringing them, यहाँ पर ये डबल लेयर, ये सपोजिंग एडिनिन है, यहाँ सिंगल लेयर, यहाँ जैसे डबल लेयर, है ना? ये जैसे ये एडिनिन है, ये यहाँ थायमिन ले लो, यहाँ ग्वानिन ले लो। अब बात आती है कॉम्प्लीमेंटैरिटी की। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फेट शुगर यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई हैं, ये एक प्रॉपर डायरेक्शनैलिटी देती है। व्हेन दे आर अटैच्ड दे गिव अ स्ट्रैंड अ डायरेक्शनैलिटी, केमिकल डायरेक्शनैलिटी। मतलब एक चेन में एक ग्रुप एक एंड पे क्या होगा, 5 प्राइम, और एक एंड पे क्या होगा, 3 प्राइम, ठीक है? और व्हाट इज बेस पेयरिंग रूल, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल ये रहता है कि एडिनिन जो है वो थायमिन से ही बॉन्ड बनाएगा। एडिनिन इज गोइंग टू इंटरैक्ट विद थायमिन, क्यों? क्योंकि जब एडिनिन थायमिन से इंटरैक्ट करता है और ग्वानिन इज गोइंग टू इंटरैक्ट विद साइटोसिन, तब मैक्सिमम एनर्जी वाली स्टेट रहती है, थर्मोडायनेमिक मैक्सिमम एनर्जी वाली स्टेट रहती है स्ट्रैंड की और हेलिक्स की। इसीलिए इन दोनों के आपस में बॉन्ड्स बनने चाहिए और इन दोनों के आपस में बॉन्ड्स बनने चाहिए। और ये पॉसिबल कब होगा? ये पॉसिबल जब होगा जब एंटी कैरमल स्ट्रैंड हो, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शनैलिटी हो, ऑपोजिट स्ट्रैंड की, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। इससे क्या होगा कि आपके जो स्ट्रैंड की विड्थ है ना, वो विड्थ भी एक जैसी रहेगी ऑल थ्रू आउट। तो इसकी बॉन्डिंग एडिनिन है, तो इसकी बॉन्डिंग किससे होनी चाहिए फॉर मैक्सिमम एनर्जी कंजर्वेशन? इसकी बॉन्डिंग होनी चाहिए थायमिन से ही, और वो पॉसिबल है जब ये उल्टा बनेगा, एंटी पैरेलल होगा। जैसे हमने ये बनाया तो ये इसको ये इस स्टेट में रहता है, ये इस स्टेट में रहता है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये इस स्टेट में ये बन, ये स्टेट में ऐसा, यहाँ पर एडिनिन है तो ये थायमिन से ये इस तरह से। तो मतलब बीच में ये बैकबोन है, ये ऐसे हेलिक्स में जो बैकबोन रहती है वो फॉस्फेट शुगर। ये जो बॉन्ड्स हैं न्यूक्लियर बेसिस, नेटलिन बेसिस प्रोट्रूड हो रहे हैं चेन से और बैकबोन से अंदर की तरफ प्रोट्रूड हो रहे हैं, नेटलिन बेसिस फेस इनवर्ड्स, है ना? और वो आपस में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड्स, इसका भी इंपॉर्टेंस है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में आपको पता चलेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स नाइट्रोजनस बेस पेयर जुड़ते हैं और जो फॉस्फेट शुगर यूनिट्स हैं जो बैकबोन बना रही है वो किस बॉन्ड से जुड़ती है, वो जुड़ती हैं, दे आर अटैच्ड विद फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। दो तरह के बॉन्ड्स हैं जिसको आपको याद रखना है, फॉस्फोडाइएस्टर। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स किन किन के बीच में होता है? एक शुगर के थर्ड पोजीशन के OH के बीच में, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ पोजीशन के फॉस्फेट के बीच में।
One nucleotide के sugar which OH group or at third position will attach with phosphate group of the adjacent nucleotide. तो 3-5-3-5 का combination ये जुड़ता जाएगा, ये OH है, ये phosphate से जुड़ गया यहाँ पर, ये बन गया covalent bond और it is very strong bond, बहुत strong bond होता है. That is why DNA replication में बीच वाला जो है hydrogen bond जो weak bonds होते हैं वो टूटते हैं. Phosphodiester bonds remain intact. These are covalent, strong covalent bonds जिससे DNA की backbone जो है वो जुड़ी रहती है. किस-किसके बीच में है तो 3 prime पे OH group रहता है, 5 prime पे phosphate group रहता है, दोनों मिलके जो है attach होके कौन सा bond बनाता है? Phosphodiester. तो हमने दो तरह के bonds बनी है. एक तो बीच वाले जिनसे कि nitrogenous bases attach base pairs करते हैं complementarity के आधार पे, वो है hydrogen bonds. और जो backbone बनाते हैं phosphate sugar units वो है covalent bonds which are phosphodiester bonds, covalent bonds. तो ये दोनों तरह के हमने bonds देख लिए. Complementarity आपको मालूम है कि एक DNA के एक strand जो है if it इसकी directionality 5 prime 3 prime है तो जो complementary strand है उसकी opposite polarity रहेगी, opposite directionality रहेगी. 3 prime ऊपर रहेगा, 5 prime नीचे रहेगा, है 3 prime ऊपर 5 prime नीचे रहेगा. इसका भी importance है क्योंकि जब ये anti-parallel होगा तभी adenine thymine से जुड़ पाएगा with hydrogen bonds. जब ये anti-parallel होगा to conserve maximum energy. We'll continue with the next structure of DNA in the next video.